नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार आऊं आया बशारत उमरो आई माया गज़ल आबदो सब खां पेरा एक नजर हेडलाइंस ते वालारी कश्मीर की रियासती हैसियत से भारतीय सिधाड़े के ब साल मुकम्मल थी वया माथी में मुकम्मल हड़ताल ब साल पे अजोके दिन मोदी सरकार वालारी कश्मीर की खास हैसियत खत्म करे रियासत जो दर्जो खासे वरतो हो धार झंडो भी लाहे छो हो। कश्मीरन से एक इजहार लाए अज सिंध समेत सारे मुल्क में इस्तेसाल दिहाड़ो मल्हाए पो वे सुबह नाए लगे एक मिनट की खामोशी अख्तियार कई वही इस्लामाबाद में एक मिनट लाए ट्रैफिक के भी रोको वो कश्मीरन के हक में रैलियों करने का सिलसिलो जारी इस्लामाबाद में कश्मीरन के हक में डी चौक का रैली कढ़ी वही सरदार डॉक्टर आरिफ अलवी पढ़ई वजीर शाह मोहम्मद कुरैशी वफाकी वजीर फवाद चौधरी शेख रशीद ए बन शिरकत कई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी है तो भारत के पैगाम है तो जैस तीन कश्मीरन से जुलम बंद ना उन के गाल नियं भारतीय हुकूमत आज़ादी के उसूलन के पामाल किया है पाकिस्तान वाला कश्मीर के आज़ाद करे सुख जो साह खो वजीर आजम इमरान खान है तो भारत जो 5 अगस्त वो कदम इंसानी हकन आलमी कानून की भनकड़ी है भारत कश्मीरी आवाम मथा गैर कानूनी पाबंद लगायूँ पाकिस्तान कश्मीर की लाजवाल कुर्बानी के कदर की निगाह से ऐसे तो गदिल कौमू इंसानी हकन जो आलमी तंजीमू भारत के अड़े कदम के गैर कानूनी करार दें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है तो वालारल कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर जारी है वालारल मातरी में इंसानी हकन जो भनकड़ियों बहरान पैदा कर रही है वालारल कश्मीर में सलामती बहरान खिते के अमन लाए खतरो है कश्मीर मसले जो हल खिते में अमन इस्तेहकाम लाए जरूरी है। कश्मीरन से एक इजहार लाए कराची में वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की क्यादत में रैली कढ़ी वही रैली में कोर कमांडर सूबाई वजीरन चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस कमिश्नर बेन आला ऑफिसरन की शिरकत सीएम हाउस के लॉन में पाकिस्तान कश्मीर जा झंडा भी फड़काया वह रैली में शरीक अगवाणन बहों से कारू पटू बधी कश्मीर में भारतीय जुल्म खिलाफ एहतजाज वालारल कश्मीर की खास हैसियत खत्म कर गैर कानूनी अमल है कश्मीर के घेराव के माजी के कारे बाब तौर याद रखो वो आरएसएस जो यो तासुबानो नजरियो कामयाब नो पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो बयान सिंध हुकूमत के फैसलों को मजाक उड़ाया पे वे सिंध हुकूमत मानू से सख्तियों न कर रही है हर जिले में कोरोना वैक्सीन कई पी वे सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से जब्तो आने रहा हूं तदी हिकमत अमली आवाम के वायरस का बचाने लाए करण घुर्ज यूटिलिटी स्टोर्स ता सब्सिडी खत्म करे शेन जो कीमतू वधायूं वयूं आहन सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तजा वहाब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क अंदर कोरोना जाकारी केसन जी शरह नव सैकड़ों का वही वही एनसीओसी मूजिब कोरोना वधीक 60 मरीजन का याती खसे वरती 5661 नव केस रिपोर्ट पौतन जो अंग 23625 वो 10,53,660 केस थी चुका गुजरल 24 कलाक दौरान 6787 मरीज वायरस में सेहतयाब भी थे हैदराबाद में कोरोना वायरस की हाकारी केसेस की शरह 12 सैकड़ों तीन पहुंची वही आलमी वबा विघे वधीक टे मरीज फौत गुजरल 24 कलाक दौरान कोरोना जा 110 नवा केस जाहिर फौतन जो अंग 463 थी रो सिंध में जुज़वी लॉकडाउन जो 6 दिहाड़ो कराची हैदराबाद शहीद बेनजराबाद मीरप्रकाश सखर लालखाना डिवीजन के केतर शहर में लॉकडाउन की भनकड़ी कारोबार ट्रांसपोर्ट भी खुलियल टंडे अलहार इस्लाम कोने खाजी अहमद में माल पिड़ियों लगाई व्यू
मानन जी पी है। इस्लाम कोर्ट में लगायल मारपीट ते एसी जो छापो, 16 जना गिरफ्तार, लॉकअप हवाले। क्वेटा में हथियारबंदन हथा अगवा थी वेल अवामी नेशनल पार्टी जो अगवान मलिक उबैदुल्ला कांसी कतल। हथियारबंद 26 जून 2021 मलिक उबैदुल्ला कांसी के अगवा करे पाया हुआ, भुंग की रकम न मिलने ते खेस कतल कर लाश उछलाया पो। बलूचिस्तान में सोग की लहर। परिधन के मुख्य बाजार में हथियारबंदन की दुकान से फायरिंग, नौजवान मार्च भो, गोलियों लगने सबब हसन हाराई मार्च भो, इलाके में दहका। कराची में सीटीटी की बड़ी कार्रवाई, 14 मानों जो कातिल, पाबंदी महल तंजीम जो टारगेट किलर गिरफ्तार। सीटीटी इख्तियारन मूजिब सर्विस रोड इस्लामिक रिसर्च सेंटर आयशा मंजिल ते कार्रवाई करे दहशतगर्द सैयद अली रजा नकवी के गिरफ्तार कयो। जवाबदार के कब्जे में एक टीटी पिस्टल, 3 बोर आई 6 गोलियों बरामद। सीटीटी मूजिब जवाबदार पैं साथन से गज मुखालिफ तंजीम के मानों के कतल में मुलविस होने जो इंकशाफ किया। झंडेमरी लग डासोड़ी थाने ते हमले, भंजनरा ड्यूटी अटका जो केस 115 मानून ते दाखिल। केस में 39 सुल 76 अणसुतल मानू नामजद। FIR में जाना वो है मचरल मानून थाने ते हमलो करे सीसीटीवी कैमराओं भी तोड़े छो। मलीर जे उबैदुल्ला कोर्ट पे जो आयल टैंकर जो मोटरसाइकिल के टक्कर, ब नौजवान फौत, पुलिस अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ड्राइवर के गिरफ्तार कर ट्रॉलर के तहवील में वही छो। घगर फाटक वेझो गाड़ी टक्कर में नौजवान फौत। वगण लग गोठ खुदा बख्श में फाल मोरी वट वेंज टक्कर में मोटरसाइकिल सवार भाव भेण फौत। फौतन में मीर मोहम्मद लाखोबासी, इमाम बख्श रिड, कामिल खातून शामिल।